लाल रंग की कार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 6 साल का लड़का अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू का एक बंटी नाम का दोस्त था जिसके पापा बहुत अमीर थे। वो हमेशा बंटी को नए नए खिलौने लाकर दिया करते थे, लेकिन गट्टू के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गट्टू के लिए नए नए खिलौने ला सकें। इसीलिए गट्टू के पास सिर्फ एक पुरानी सी खिलौने वाली कार थी। एक दिन गट्टू स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे अपने घर के पास एक बहुत सुंदर लाल रंग की खिलौने वाली कार पड़ी दिखाई दी। कार को देखकर उसने सोचा, अरे इतनी सुंदर कार, ये कार किसकी है? वो कार के पास गया और उसने कार उठा ली। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्यों ना इस कार को मैं ही रख लूँ, और जब कार वाला इसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो मैं उसकी कार लौटा दूंगा। ये सोचकर वो कार को अपने साथ घर ले गया। अब गट्टू रोज स्कूल से आकर उस कार से खेलने लगा। धीरे धीरे गट्टू भी भूल गया कि ये उसकी कार नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन गट्टू अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहाँ से दो लड़के चिंटू और पिंटू गुजर रहे थे। तुझे पता है पिंटू, मेरे पापा मेरे लिए एक लाल रंग की बहुत सुंदर कार लाए थे, लेकिन पता नहीं वो मुझसे कहाँ गुम हो गई। गुम गई? लेकिन कैसे? पता नहीं, मैं तो उसे लेकर इसी गली से अपने चाचा के घर जा रहा था। वहाँ पहुँचकर मैंने अपना बैग चेक किया तो मेरा बैग खुला हुआ था। फिर तो जरूर तुम्हारी कार कहीं गिर गई होगी। उन दोनों की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे जो लाल रंग की कार अपने घर के बाहर मिली थी वो चिंटू की थी। मैं तो भूल ही गया था कि एक दिन मुझे ये कार लौटानी पड़ेगी। फिर उसने दुखी मन से कार को उठाया और उसे लेकर चिंटू के घर की तरफ चल दिया। चिंटू के घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि चिंटू अपने घर के बाहर बैठा बहुत सारी कारों से खेल रहा है। ये देखकर वो बोला, अरे इस चिंटू के पास तो इतनी सारी सुंदर सुंदर कारें हैं, और मेरे पास सिर्फ एक कार है, और वो भी इतनी पुरानी। अगर मैं इसे ये लाल कार ना भी दूं, तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लाल कार मैं ही रख लेता हूँ। ये सोचकर वो उस कार को वापस अपने घर ले आया। उसी शाम उसके दादाजी हमेशा की तरह उसे स्कूल का होमवर्क करवा रहे थे। लालच करना बुरी बात है गट्टू, क्या तुम जानते हो लालच क्या होता है? नहीं दादाजी। लालच का मतलब होता है किसी और की चीज को अपना समझना। लेकिन दादाजी, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि वो चीज हमारी हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई उस चीज को पाने के तरीके में होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले हमारे मन में लालच आता है, फिर उस लालच को पूरा करने के लिए हम गलत रास्तों को चुनते हैं, जैसे कि चोरी, और फिर उस छोटे से लालच की वजह से हम चोर बन जाते हैं। और क्योंकि सभी बुराइयों की शुरुआत कहीं ना कहीं लालच से होती है, इसलिए लालच सभी बुराइयों में सबसे बुरी है। दादाजी सही कह रहे हैं, लालच की वजह से ही मैंने चिंटू की कार अपने पास रख ली और मैं चोर बन गया। ये सोचकर वो तुरंत कार लेकर चिंटू के घर गया और उसने कार चिंटू को लौटा दी। इस तरह दादाजी की बातों से चिंटू को लालच का मतलब समझ आ गया और फिर उसने कभी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।